जय हनुमान। तो कैसे हैं भाई आप सभी, और क्या हालचाल है आप सभी के? बहुत दिनों के बाद फिर से एक होगी मुलाकात। तो भाई हिंदू नब्बर्स है आज, तो एक ब्लॉग बना रहा हूँ मैं अपने लिए और अपनी यादों को संभाले रखने के पर्पज़ से। तो इस ब्लॉग का कोई भी, मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, कोई भी ऐसा दिखावे वाला सीन नहीं है कि मैं शो ऑफ कर रहा हूँ। पर मैं फ़िलहाल अपने गांव में था और पिताजी के साथ अपने, तो गन्ना बोने की मशीन चल रही है और मैं हूँ फिलहाल खेतों पे, और फार्मिंग से रिलेटेड ये ब्लॉग रहेगा। अगर देखना है तो बने रहिए, वरना अपना टाइम बर्बाद मत कीजिएगा। और करते हैं, दिखाता हूँ आज की भाई के साथ जो होगी मुलाकात। हालांकि मुलाकात तो हो ही चुकी है, थोड़ी थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा करूँगा मैं बकवास। तो फिलहाल मैं हूँ कुएँ पे, माहौल दिखाता हूँ आसपास का कैसा एनवायरनमेंट है, और फिर धीरे धीरे हम जो परिचित लोग हैं हमारे आसपास उनसे बात करेंगे, फिर अपने पिताजी से बात करेंगे। और बने रहिए, देखते रहिए ब्लॉग, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। तो भाई बात है कुछ ऐसी, एकदम घर जैसी। फिलहाल ये देखने लायक ही नज़ारा है, और इधर चल रहा है कुआं और उधर चल रही है ये गैंग हमारी। ये छोटा भाई है और उधर मशीन खड़ी है, और फिलहाल इतना खेत बो चुके हैं हम, और बाकी खेत को बोने की तैयारी है। फिलहाल ये छोटा भाई साहित्य पैंडी की गहराई नापता होगा कि कितनी लागू या सेवा बोई जा रही है। शेर तो क्या प्रक्रिया चल रही है भाई साहब? ये भाई साहब, ये लागू सेवा देखी जा रही, हमने लग रहा है इसकी लागू कर दी है। मतलब लग रहा है या कर दी है? लग रहा है, क्योंकि हाँ मशीन ज्यादा भरी हुई चल रही है, इसलिए थोड़ा ट्रैक्टर आगे से उठता है तो लागू सेवा हो जाती है। अच्छा, शेर जीता जीता ही कह दे। ही कह दे। माहौल फिलहाल जो है काम रुका पड़ा है, कारण ये ऊपर आने वाली लाइन है ट्रैक्टर, मतलब 11,000 के नीचे है। अगर पैंडी अड़ेंगी तो करंट लगने से आग लगने का खतरा है, तो इसी वजह से सिट डाउन लेने की क्रिया चल रही है इस टाइम। इसी वजह से ये काम रुका पड़ा है, और जो लोग बैठे हैं करते हैं उनसे मुलाकात। आशिक है कौन वो, हेलो। छोड़ के चली गई भाई। कारण यो है क्यों गन्ना हो रहा बेचारा, यहाँ अब मनाने में लगा हुआ है। भाई तू आठ के टायर हो रही है। ठुकरा हाँ चल ठीक है, तो ठीक है सर। गए मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी। हाँ क्या कह रही? और भाई ये आ चुका है गन्ने का एक और ट्रैक्टर। फिलहाल काम कुछ ऐसा चलता हुआ गन्ना बुआई का, इधर आज की भी लगातार चल रही है जुगाड़ निकालना है लोंडे ने कान पे फोन लगा के, और ये अपने स्टाफ सारा, और पीछे ये हमारे जाने माने हमारे किंग साहब, जिन्होंने ये सब कुछ या कहीं साम्राज्य स्थापित करा है। और खेत में डालने के लिए दवाई का फॉर्मूला तैयार करा जा रहा है, जो मशीन में चलेगा अब। और ये हमारे गैंग के लीडर मिस्टर लाखन, क्या कहें। और इस टाइम गन्ने की ये चल रही है भाई भराई, फव्वारे लगे पड़े हैं मशीन में, फव्वारे करेंगी पानी निकालने का काम।
अभी इस टाइम बंद है, जिस टाइम मशीन चालू होगी तब खुलेंगे फव्वारे। फव्वारे ये देखो हमारे ताऊ बीड़ी पीते हुए और पुल उठवाते हुए और क्या क्या करवाते हुए। सही बात है। और ये फिलहाल ड्राइवर अपनी ड्राइवरी दिखाता हुआ भाई भाई हमारा बड़ा ही प्यारा लगा हुआ है इस टाइम। मैं भी आ गया हूँ इसके साथ ही भाई। दिहाड़ी पे है या परमानेंट? दिहाड़ी देखकर परमानेंट क्या मिले क्या गाली सही है यार। फिर तो एक बारी बारीक सा माहौल है यो। गजब लौंडे ड्राइवर निकला पर पीछे लाइन पर मिला। तो यहाँ से कुछ ऐसा है माहौल और साइड सीन। इधर ये पानी की टंकी रखी हुई है और चल रहा है ये काम। लाइन जो खींची हुई है इससे मिला के नीचे करना पड़ेगा ताकि पूरा एरिया कवर कर पाए नई गुलगा। और लगभग ट्रैक्टर टाइम 700 एम्पियर के आसपास होगा। और कितने एम्पियर के आसपास होगा आरपीएम के? सॉरी अरे सही है भाई। हमारा एक बिहारी अकेला सब पे भारी बेचारा। अब जाके पढ़ाई भी करेगा, मजदूरी कर रहा थोड़ी थोड़ी दिहाड़ी पे लगा हुआ है। हालांकि मैं मजाक कर रहा हूँ, ड्राइवर है इस पे मशीन पे, पर वो आज कहीं गया हुआ है और थोड़ी सी जो भी थी ये वीडियो और कुछ देर में मैं ख़त्म करना चाहूँगा इसे। तो जहाँ गन्ना बोया जा रहा है उस फर्म के साइड का एरिया है ये। हम फिलहाल जा रहे हैं फार्म हाउस के अंदर और जिस फर्म का ट्रैक्टर है उनके ड्राइवर ही चुके हैं भाई फार्म हाउस के अंदर एंट्री। और इधर बाग बगीचे और इनकी जो खानदानी चीजें खड़ी हुई हैं वो देखने जा रहा हूं मैं फिलहाल। अब ट्रैक्टर से मार दी एंट्री। तो कुत्ता थोड़ी है, कुत्ता थोड़ी पाल रखा। ठीक है। और ये कुछ पुराने जमाने की एंटर सिटी गाड़ियां, पुराने जमाने की ये थार जिसका इंजन इसकी उसी में पड़ा हुआ है। भाई काबिले तारीफ, पिताजी का कभी इनके दौर हुआ करता था। और ये कौन सी कार है? मारुति सुजुकी कंपनी की, जो शायद आर्मी के पास ही देखी है मैंने। और ये पुरानी गाड़ियाँ। तो भाई फिलहाल हम हैं एक बहुत पुरानी फर्म या कहें खानदानी हस्ती के पास, जिनके पिताजी कभी एक दौर में डीएम हुआ करते थे। तो उन्हीं की दी हुई विरासत है ये, मतलब इनके दादा की, और जिन्होंने काफ़ी कुछ कारवां अपने लिए जोड़ दिया था। और भाई ये फार्म हाउस है जो काबिले तारीफ बना हुआ भी है। पीछे इनका कृषि से रिलेटेड जो है भाई हथियार खड़े हैं या कहीं पड़े हैं। और मतलब यहाँ पर दिखाने का मन इसलिए था कि कभी एक दौर में
क्रेशर भी हुआ करता था, मतलब पुराने ज़माने में क्रेशर चलते थे वो, तो उसी की एक ओल्ड बिल्डिंग है। तो इन्होंने फिर जब क्रेशर बंद हो गया तो इसे फार्म हाउस बना दिया। हालांकि हमारे ब्लॉक से इस चीज़ का कोई रिलेशन नहीं है, पर दिखाने लायक चीज़ थी तो वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं और बना भी रहा हूँ। ये आड़ू वाड़ू के कुछ पेड़, कुछ इधर की खूबसूरती, आम वाम, ओवरऑल यही था फार्म हाउस और यही था इलाका। ये नटनी कहे साल के पेड़, लिप्टिस देखने में है पर इन्हें नटनी बोलते हैं, इनकी वैरायटी अलग होती है थोड़ी, आप देख भी पा रहे होंगे इसकी भारी सहल के कारण। भाई खूबसूरती का नज़ारा बड़ा ही प्यारा, अशोक वाटिका तो नहीं है ये, पर उससे कम भी नहीं है, क्योंकि ये सीन देखने लायक ही है और मन लगता है, क्योंकि बीचों बीच खेतों में ये बाघ खड़े हुए हैं फिलहाल, और मस्त है, ज़बरदस्त है, जिंदाबाद है। तो भाई इसी के साथ मैं लगभग अपना ब्लॉग कंप्लीट कर लूँगा और हो चुका है, अगर कुछ इसके बाद क्लिप्स बचेंगे तो मैं वो डाल दूँगा। बाकी मिलते हैं गाइस, जय हिंद जय भारत, यहीं तक था मेरा पर्सनल ब्लॉग या कहीं जैसा भी, तो मिलते हैं गाइस। हाँ आखिर में एक वो अभी मैंने लाइनें लिखी हैं कुछ, वो सुनाना ज़रूर चाहूँगा आपको, कि जो मिल गया वो मिट्टी, जो ना मिला वो सोना, फिर भी इसी बात का है रोना कि तुम मेरे होना। मेहनत जमकर करो मेरे भाई, क्योंकि वक्त को वक्त नहीं लगता वक्त बदलने में। मिलते हैं फिर।